बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बरादरान पूरे पाकिस्तान नूं, मैं सरदार सरफराज खान बलोच, मेरा तालक ज़िला व्याड़ी तुए, इलाका मेरा गड़ा मोड़ है, हलका एनए 170 है। कल मेरी तफसीली मुलाकात हुई सरदार जमशेद अहमद खान दस्ती साहब नाल, जेड़े पाकिस्तान अवामी राज पार्टी दे चेयरमैन हैं, और मैं उन्होंने ख्यालात नू बेहतरीन पाया। उन्होंने ख्यालात नजरियात दी मुकम्मल मैं हिमायत करदा, और उन्होंने हिमायत च मैं ऐलान करदा कि अपने हल्के तू 170 तो MNA दा टिकट लैके इलेक्शन लड़न दा ऐलान करदा। मैं उन्होंने इस अंदाज पाया जो गरीब परवर और हमदर्द और बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्होंने ख्यालात नाल मेरा बिल्कुल मैं एग्री हाँ, मैं उन्होंने नाल हाँ। उन्होंने जदोजहद अपने इलाके वास्ते और खसूसन जिहड़ा उन्होंने वडेरा शाही के खिलाफ कदम चाया, मैं इसकी हमायत करदा। और ये वाकई जिहड़े वडेरा इज़म है ओ नहीं होना चाहिए। अवामी लीडर अवाम में होवे, ना कि वह अपने दौरे से होवे, बंदियां नाल मुलाकात ना करे, बंदियां मिले नहीं, लोगों का काम होवे, बस कोई आया गया इवें समझे जिवें कीड़े मकौड़े, बहुत गलत बात है। इस ते मैं भी मुजम्मत करदा। उन्हां नाल मजीद बातचीत होंदी रही, इस हवाले नाल उन्हां नाल ज़्यादा बात हुई, जो जिहड़ा वैसट पंजाब है साडा जनूबी पंजाब जिहड़ा सरैकी सूबा बन जा रहा है, ऐलान भी होए, हकूमत ने भी ऐलान किया, इस वक्त दे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया जो मैं अगर हकूमत चाहिए तो मैं सूबा बने सा। हुण सूबा नहीं बना रहे, बल्कि अगर मैं मिसाल देवां जिवें एक थाणा हुंदा है तुसीं चौकी हुंदी, उसका नमूना बना रहे बहावलपुर सैक्रेटरीएट, उसका कोई फायदा नहीं और बिल्कुल नुकसान है। वो ही रहेगा जिवें तख्त लाहौर है, और उसकी गुलामी मजीद होगी, एक नवा सेटअप बनेगा। अगर सूबा बनना चाहिए है तो हक है, और उस हक नू पूरा करके अदा करने वास्ते तुहाडे कोल डिविजन्स मौजूद ने, डेजी खान, मुल्तान और बहावलपुर। मुल्तान दारुल खिलाफा होना चाहिए सरैकी सूबे का, उसका नाम जो भी तुसा सजेस्ट करो, जो भी पंजाब रख सकते हो या सरैकिस्तान रख सकते हो, इस कोई हर्ज नहीं। पख्तूनख्वा शनाखते, सिंध न शनाखते, पंजाब न शनाखते, बलोचिस्तान शनाखते, सरैकिया क्यों शनाख्त नहीं दी जा सकती? ये शनाख्त दी जानी चाहिए, और मैं इस हक और जरूरी है। उन्होंने तफसीली बातचीत होती रही, उन्हें आख्या जी कभी भी निजाम तब्दील नहीं हो सकता और होना ही नहीं जब तक एक आम बंदा तुहाडा हुक्मरान नहीं बनेगा। आम बंदा जब हुक्मरान बनसी, क्योंकि वह तकलीफा सख्तियां बर्दाश्त करके आया, उसको पता उसी कि गुरबत क्या है, वह बेरोजगारी के कर पिछू निकलिया, उसी पता उसी बेरोजगारी क्या है, वह बादअमनी की सूरत हाल चू निकलिया, उसी पता उसी कि बाद अमनी हो क्या होंगे, फिर वह निजाम सैट कर सकता।